हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। अगर आपका रिफ्यूज़ल आया है तो आप रीअप्लाई कर सकते हो या नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो आपको पता ही होगा कि हम अभी ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं। फाइनली आपका भाई ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया है गाइस, आफ्टर वीज़ा रिफ्यूज़ल। होने वाला है आज का, जिन लोगों का वीजा रिफ्यूज हुआ है उनके लिए बहुत ही काम में आने वाला है। तो जरूर ये ब्लॉग पूरा देखिए, एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी हिस्ट्री बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने फेब 23 इंटेक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्गकॉन्ग के लिए अप्लाई किया था। और फिर एप्लीकेशन करने के बाद मेरा सब मेडिकल वगैरह 10th of Feb तक हुआ था। उसके बाद मैंने 11 February को मेरे फाइल लॉन्च की एम्बेसी में। और जैसे मेरी फाइल लॉन्च हुई उसके बाद मुझे मेरा अराउंड 11 दिन बाद रिप्लाई आया था, मतलब 22 February को मुझे रिप्लाई आया था कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। और ऐसा कुछ जो ओरिजिनल रीज़न था वो तो उन्होंने बताया नहीं क्या रीज़न था, वो बस एक कॉमन सा रीज़न चिपका देते थे लाइक आप मतलब जेन्युइन टेम्पररी इंटर्न नहीं हो, आपका बस मोटिव यही है कि आप हमारे कंट्री में आओगे और यहाँ पे ही परमानेंटली रेसिडेंट बन जाओगे, परमानेंट रेसिडेंट। उनको ये लग रहा था कि इनके होम टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं, इनके फैमिली वगैरह कनेक्शन कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मतलब ये अगर हमारे कंट्री में इंटर करेंगे तो हमारे कंट्री में ही रह जाएंगे, ऐसा रीज़न उन्होंने दिया था। पर मुझे नहीं लगता कि ये राइट रीज़न था, हो भी सकता है राइट, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो SOP होता है उसमें गड़बड़ थी। SOP की जो लिमिट है वो 300 words की रहती है, ये मुझे बाद में समझा। और जब मेरे एजेंट ने फाइल लॉन्च की थी वो नियर अराउंड 3000 to 4000 words का SOP बनाया था, तो मुझे लगता है कि वहीं पे कहीं तो भी गड़बड़ हुई होगी। बाकी फंड्स वगैरह तो मैंने प्रॉपर शो किए थे, मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 27 lakh थी, तो और लिविंग एक्सपेंस पर एक ही साल का दिखाना होता है आपको, मतलब मुझे दिखाने थे टोटल 27 + 10 = 12, मतलब टोटल 40 lakh दिखाने थे। तो मैंने 30 lakh का एजुकेशन लोन और 10 lakh की FD, वो भी 3 months ओल्ड थी, और सेविंग अकाउंट में 3-4 lakh दिखाए थे ऊपर से, मतलब अराउंड 44 lakh दिखाए थे। पर फिर भी ऐसा उन्होंने दिया है, वो जो एक्चुअल रीज़न होता है वो तो हमें समझता नहीं है कि कहाँ गड़बड़ हुई क्या हुई, पर ठीक है। और आप लोग को पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद फिर से वीज़ा आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरा जब रिफ्यूज़ल आया तब मैं पूरा निराश हो गया था, पूरा डिप्रेशन में जाने लगा था। मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई तू US चले जा, भाई न्यूजीलैंड चले जा, फिर शिफ्ट हो जाना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का सिटीज़न बन जाता है तुम, तो वहाँ से तुम वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे मुझे ऑप्शंस दिख रहे थे पर ऐसा मेरा मन मान नहीं रहा था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाने अपने को ऐसा था। फिर ऐसा होने के बाद लाइक मैं ट्राई करते रहा, मैंने अब बिलीव नहीं करोगे कम से कम 15-20 एजेंट से बात की, स्टडी काउंसलर से बात की, डिफरेंट की भाई मुझे अप्लाई करना है, मेरा प्रीवियस वीज़ा हिस्ट्री है, रिफ्यूज़ल है तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं। नियरली 90% एजेंट ने यही बताया कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो आप रीअप्लाई नहीं कर सकते। फिर ऐसा होने के बाद मैंने मुझे एक और सजेशन मिला था कि भाई यूनिवर्सिटी से बात करके अगर वो COE रीइश्यू करके देंगे तो तेरा हो सकता है फिर से तू फाइन लॉस कर सकता है। क्योंकि क्या होता है अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो जो आपका CEO ही होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है,
ऐसा होने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी को मेल किया, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, पर उनसे मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मेरा COA तो रीइशू नहीं हुआ। मैंने जो फी डिपॉजिट की थी मेरी, समथिंग 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, लाइक इंडियन रुपीज में तब कन्वर्ट करने लगा तो 8,02,000 समथिंग थी वो। तो वो तो मुझे रिफ़ंड मिल गई, उसको भी रिफ़ंड आने में कम से कम 1.5-2 महीने तो लगा ही, 40-45 days तो लिए ही उन्होंने रिफ़ंड प्रोसेस करने में। और फीस मतलब यूनिवर्सिटी ने तो कुछ कम करके नहीं भेजी, पर जो डॉलर का डिफ्लेक्शन आया वो पकड़ के मेरी 40,000 कम ही फीस आई। मतलब मैंने 8 लाख भरे थे तो मुझे 7,60,000 ही मेरा अकाउंट में आ गए वापस। लॉस तो बहुत हुआ, टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, मेरी 40,000 फीस कम आई, ऊपर से जो वीज़ा के 40,000 मिले थे वो भी वेस्ट हुए। ऐसा लग रहा था एक मोमेंट में खर्चा तो बहुत हो गया, आउटपुट तो कुछ मिल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस इन्वेस्टमेंट होते जा रही है। लोन लिया था, उस वो लोन का EMI स्टार्ट हो गया था, 10,000 पर मंथ कट रहे थे, ऐसे बहुत खराब हालत हो गए थे मेरे। मेरा कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्या करें आगे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, जो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से बात करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने लाइक एक्सपो होते यूनिवर्सिटी के, देखो अलग अलग एजेंट मतलब वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो ज्वाइन करके मैंने लाइक ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी से बात की। तो वो भी बोल रहे थे अगर एप्लीकेशन करके देखो आप, अगर होता है कुछ तो विल डेफिनेटली डू समथिंग, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कोई भी यूनिवर्सिटी तैयार नहीं थी एप्लीकेशन एडमिशन देने को। फिर मतलब बहुत वेल नोन जो स्टडी काउंसलर और एजेंट है ना, उनसे भी बात की मैंने, वो भी मना कर रहे थे केस लेने के लिए। फिर एक एजेंट ने थोड़ा भरोसा रखा, थोड़ा ट्रस्ट दिखाया कि हाँ भाई हम ट्राई कर सकते हैं, करके तो देखते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हम करके देखते हैं, बाकी भगवान पे छोड़ देंगे, जो देख लेंगे। और अगर मैं आपको मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, और मुझे इधर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स ऑफ IT करना था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग में मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा के लिए एप्लीकेशन किया था, और मेरा जो बैचलर्स में परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज तो नहीं, CGPA था हमें, तो वो मेरा 9 का CGPA है, और पूरा बैचलर्स में मेरा सिर्फ एक बैकलॉग था, 10th के भी परसेंटेज मेरे लाइक 80% है 10th में। 10th के बाद मैंने 3 years का डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा भी मेरे 70% है, और डिप्लोमा के बाद मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उसमें भी 8 का CGPA था, 9 का CGPA था। तो ओवरऑल पूरी मतलब जो प्रोफाइल थी वो एक्सेलेंट ही थी, मतलब कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था एकेडमिक्स में, फंड्स भी सही थे मेरे, सिर्फ मुझे लगता है SOP में गड़बड़ हो गई थी बस, SOP भी प्रॉपर ही लग रहा था, और क्या जो ओरिजिनल एजेंट था वो तो बताते नहीं, वो एम्बेसी वाले। फिर ऐसा होने के बाद वो एजेंट ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया थोड़ा सा कि हाँ भाई ट्राई कर सकते हैं, हम अप्लाई करके देखते हैं, जो होगा देख लेंगे। फिर ऐसा होने के बाद उन्होंने लाइक लिटरली ग्रुप ऑफ 8 जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनमें सब में एप्लीकेशन किया था, और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जिस यूनिवर्सिटी से वीज़ा रिफ्यूज हुआ है ना तेरा, उससे बेटर यूनिवर्सिटी होगी तो चांसेस कम रहेंगे तेरे वीज़ा के। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग का मेरा अराउंड 10th नंबर लगता है ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर उसके ऊपर मैंने UTS में अप्लाई किया, फिर उसके बाद यूनी सिडनी में अप्लाई किया, यूनी मेलबर्न किया, मोनाश यूनिवर्सिटी, क्वींसलैंड, नियर अराउंड ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में मैंने एप्लीकेशन डाल दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एडलैंड में भी किया था, वहाँ से भी मुझे ऑफ़र लेटर आया था बाद में रिफ्यूजल के बाद। ये सब यूनिवर्सिटी ऑफ़र तो दे रही थी, पर GT कोई क्लियर नहीं कर रहा था, जब GT का टाइम आ रहा था तब ये डायरेक्ट नहीं बोल देते थे
नहीं हम बीटी प्रोसेस में करेंगे तुम्हारे हमसे, पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने मुझे मेरा सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर थे, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दिया। और जब अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आया तभी मेरा जीटी वगैरह सब हो गया था, तो मतलब जब मेरा अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आया तब सिर्फ मुझे फ़ी भरनी थी, और फ़ी भरने के बाद COE आने वाला था मेरा। फिर ऐसा होने के बाद जब अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आया डायरेक्ट, तो मैंने यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किया कि हाँ भाई सच में ये जीटी वगैरह सब हो गया है ना, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि मैं फ़ी भर लूँगा और फिर आप लोगों को नहीं जी टी रखा, अब तुझे जी टी करना पड़ेगा ऐसा। फीस भरने के पहले मैंने सब कंफर्म कर लिया यूनिवर्सिटी से, और जब यूनिवर्सिटी ने कहा कि हाँ तुम्हारा जी टी वगैरह सब हो गया है, तब जाके मैंने फीस पे कर दी यूनिवर्सिटी को। ग्रुप ऑफ एट है तो थोड़ी है कॉस्टली यूनिवर्सिटी, पर ठीक है। अपना मेन पॉइंट क्या था, ऑस्ट्रेलिया में इंटर होना, फिर बाकी आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर वी कैन चेंज द यूनिवर्सिटी। सो अभी के लिए इस मोमेंट में हमें ऑस्ट्रेलिया में इंटर होना बहुत इम्पोर्टेंट था, नहीं तो मेरे न्यूजीलैंड और US में भी अप्लाई किया ही था मेरा। US का अच्छी यूनिवर्सिटी से मेरा I-20 भी आया था, बस वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी थी, पर नहीं मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि हाँ भाई US जाए इससे। फिर मैंने फीस पे कर दी यूनिवर्सिटी को, फीस भरने के बाद फ्लाई वायर से ही पेमेंट किया था। 2-3 दिन में फीस यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, और फिर उसके 3 दिन बाद मेरा COE आ गया। मतलब टोटल 5-6 डेज में मेरा COE आ गया था फीस भरने के बाद। और फिर COE आने के बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने को, क्योंकि वीज़ा की फाइल लॉन्च करनी थी, एफिडेविट वगैरह बनाना था सब। और जो मेडिकल था, जो मैंने फिर में वीज़ा अप्लाई किया था, वही मेडिकल मेरा फिर से चल गया था। तो अगर आप फिर अप्लाई करते हो तो आपको फिर से मेडिकल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मेडिकल है आई गेस वो 1 ईयर तक वैलिड रहता है। तो फिर मुझे मेडिकल करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी सेकंड टाइम भी अप्लाई करने के लिए। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके वीज़ा लॉन्च किया था, 21 को किया था आई गेस, 20 और 21 को मैंने फाइल लॉन्च की थी। थर्सडे था उसी वीक में, थर्सडे था, और थर्सडे को मैंने इवनिंग के 5-6 बज गए थे, 6-6:30 बज गए थे। फिर उसके बाद सिर्फ फ्राइडे का वर्किंग डे था, और सैटरडे संडे तो एम्बेसी ऑफ ही रहती होगी। और मंडे मॉर्निंग को मुझे, मैं तो सो गया था 9-9:30 बजे थे इंडिया में सुबह के, मेरे एजेंट का मुझे कॉल आया, हेलो विशाल किधर है? मैंने बोला घर पे हूँ मैं, तो बोलती भाई तेरा वीज़ा आ गया। मैं डायरेक्ट ऐसे उठ के बैठा, मैम मजाक कर रहे हो क्या आप? बोलती भाई इतने सुबह सुबह कौन मजाक करेंगे भाई। फिर मैम ने बोला मैंने तुम्हें कॉपी सेंड की है, ईमेल चेक करो। फिर जब मैंने ईमेल देखा तो वहाँ पे ग्रांटेड था, तब देख के भाई बहुत सुकून मिला, और लगा कि हाँ भाई हो गया सब। फिर होने के बाद सब प्रोसेस वगैरह, टिकट विकट बुक किया मैंने, फंड्स वगैरह थोड़ी मैनेज करके, और फिर फ्लाई कर लिया मैंने। आफ्टर वीज़ा 15-20 डेज में फ्लाई किया था मैंने। तो अगर आपका भी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज हुआ हो तो आप भी रीअप्लाई ज़रूर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई एजेंट बोलेगा नहीं भाई तू रीअप्लाई नहीं कर सकता, आप ज़रूर कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने रीज़न देखो कि रीज़न क्या था आपके रिफ्यूज़ल का। बहुत से रीज़न होते हैं, आपका IELTS वगैरह स्कोर कम हो, वो भी अलग रीज़न होता है। कोई फंड्स का भी इशू होता है तो भी वो भी अलग रीज़न होता है, बट मोस्ट कॉमन रीज़न वही होता है GT एक्ट, और वो 500.212 माइग्रेशन एक्ट है उसके अंडर ही वो रिजेक्ट करते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द कॉमन वही रीज़न होता है। तो अगर आपका भी वो रीज़न होगा ना तो आप रीअप्लाई ज़रूर कर सकते हो, बस यही ट्राई करना कि आप बेटर यूनिवर्सिटी में ट्राई करो, और थोड़े ग्रुप ऑफ 8 में ही ट्राई करो ऐसा मैं बोलूँगा,
क्योंकि ग्रुप ऑफ एट में जल्दी वीज़ा भी आता है और उनको प्रायोरिटी भी मिलती है, और वेंडम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होती है तो रैंकिंग वगैरह सब अच्छे होते हैं। मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी से जीटी वगैरह मिल गया ना तो आपका वीज़ा 99% आने के चांसेस है, 0.1% हम नहीं कह सकते जो भी कुछ भी हो सकता है, पर 99.9% चांस है कि अगर आपका ग्रुप ऑफ एट से जीटी और सीओई आ गया है तो आपका वीज़ा आ ही जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने अगर किसी को अपने कांटेक्ट में किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो उसको शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है क्या कंडीशन हो जाती है और क्या हो जाता है। चलिए गाइस मिलते हैं, बाय।